आपके साथ पूजा शुक्ला, ये बढ़ते हैं आज के खबर की ओर। गांव की प्रॉपर्टी के लिए एक भाई ने दूसरे भाई को सर में पत्थर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मानपाड़ा पुलिस ने कड़ी जांच के बाद हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी को झारखंड जाकर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरा आरोपी फरार बताया। मृतक पूरन सिकंदर महतो डोंबिवली पूर्व के गोलवली में रहता था। बीते 4 नवंबर को पूरन जख्मी हालात में पुलिस को मिला। पूरन के सर में गहरी चोट लगने से खून बह रहा था। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने बताया कि पूरन के सिर पर जोरदार हमला किया गया है, जिससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। और 4 दिन बाद यानी 8 नवंबर को इलाज के दौरान पूरन ने दम तोड़ दिया। मानपाड़ा पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू की और स्थानिक लोग और गांव के रिश्तेदारों से पुलिस को पता चला कि पूरन का रिश्ते का भाई कालू कुमार सीताराम महतो भी गोलवली में रहता है और झारखंड स्थित गांव की जमीन को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा। पुलिस के मुताबिक कालू कुमार ने खाने के लिए पूरन को घर बुलाया और दारू पिलाकर उसके सर में पत्थर से हमला कर वहां से फरार हो गए। पूरे मामले को समझते हुए मानपाड़ा पुलिस ने हत्यारे कालू कुमार की तलाश जारी की। इस बीच वो अपने झारखंड में छुपे होने की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके अनुसार मानपाड़ा की एक टीम झारखंड गई और वहां की लोकल पुलिस की मदद से पुलिस ने कालू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड में कालू कुमार का सगा भाई लालू कुमार महतो भी शामिल है, जो फरार बताया गया। 4 तारीख को गोलोली में एक पूरन महतो करके वो एक आयसन जख्मी हुआ था, उससे दगड़ पत्थर से मारा था। उसको हमने हॉस्पिटल में एडमिट किया और 8 तारीख को वो मयत हो गया। ये फिर हमने केस का 302 में सेक्शन चेंज कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में उसके जो 2 कज़िन है ब्रदर्स, उन्होंने ये पत्थर मार के उसको जख्मी किया था और उसमें उसका मर्डर हुआ था। वो जो आरोपी है उनका जो हमारे एपीआई वन वे और स्टाफ झारखंड में जाके तपास किया, वहाँ पुलिस के ऊपर भी हल्ला हो गया। वहाँ हमारे एपीआई वन वे और स्टाफ ने वहाँ आरोपी को फिर भी अटक किया, इधर लाया। अभी 22 तारीख तक वो पुलिस कस्टडी में है। तो ये थी आज की खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।